गाइस, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नो मेकअप लुक। आजकल आप बहुत देख रहे होगे टीवीज में, न्यूज़ में, या फिर आप कोई भी टीवी शोज देखते होगे तो वहाँ पे आजकल नो मेकअप लुक बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत फेमस है नो मेकअप लुक। नो मेकअप लुक बेसिकली होता क्या है, नो मेकअप लुक का मतलब होता है कि आप ऐसा मेकअप करो कि ताकि आप नेचुरल लोगों लगे कि आपने कुछ भी फेस पे नहीं लगाया, यू आर वेरी वेरी नेचुरल। बहुत से लोगों की स्किन ऐसी होती है कि उनको सच में कुछ मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके चीक्स ऑलरेडी रेड होते, ब्लश होते उनमें तो। बट जिनके नहीं है उनके लिए ये मेकअप लुक मैं लाई हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा मेकअप करने का फैशन भी नहीं है, लोग नेचुरल रहना चाहते हैं, जैसे वो हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। तो ये मेकअप लुक बेसिकली मैंने इसीलिए मैं ये क्रिएट किया मैंने, ताकि जिन लोगों को बहुत लाइट मेकअप पसंद है, जो लोग मेकअप नहीं करना चाहते हैं, वो लोग ये मेकअप लुक कैरी कर सकते हैं। आप कहीं भी जाते हैं या कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हैं या आप घर पे ही हों तो आपके लिए मेकअप लुक बेस्ट है। तो चलिए देखते हैं कि मेकअप लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। नो मेकअप लुक के लिए आपको सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, चाहे फेस वॉश से करिए या फिर आप क्लींजिंग ऑयल से। देन आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपका सबसे पहले आपको यहाँ पे लगाना है प्राइमर। प्राइमर हमारा बेस का काम करता है, जो भी हमारे ओपन पोर्स होते हैं उनको हाइड करके हमारी स्किन को एक इवन टोन देता है, तो इसलिए प्राइमर तो आप ज़रूर ही लगाएं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको लगाना है सीसी क्रीम या फिर बीबी क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन यूज़ नहीं किया क्योंकि फाउंडेशन हमें हाई कवरेज देता है एंड दिस इज़ अ नो मेकअप लुक, तो आप ध्यान रखें आपको लाइट चीज़ें ही यूज़ करनी है। सीसी क्रीम और बीबी क्रीम हमें उतना हाई कवरेज नहीं देती, लाइट कवरेज देती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीसी क्रीम का यूज़ किया है। अगर आपके पास सीसी क्रीम या बीबी क्रीम नहीं है, फाउंडेशन है, तो आप फाउंडेशन में मॉइस्चराइजर लगा के यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका फाउंडेशन थोड़ा सा लाइट हो जाए एंड नेचुरल लगे। इसको यहाँ पे मैंने डैप करके अपने पूरे फेस पे लगा लिया एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छे से अपने फेस पे स्प्रेड कर लिया है। आप नेक को कवर करना बिल्कुल भी ना भूलें, नेक पे भी आपको लगाना है ताकि आपका नेक का एरिया और फेस का एरिया एकदम एक जैसा ही लगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने अपनी आईज़ के लिए मैंने यही सीसी क्रीम ही यूज़ की है। आईज़ के बेस के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी कंसीलर या फिर आई शेडो यूज़ नहीं किया है। आई शेडो तो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है नो मेकअप में। आपको बेस के लिए आप कंसीलर अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सीसी क्रीम को ही एज अ बेस यूज़ किया। आई शेडो लगाने से क्या होगा कि आपका जो नो मेकअप लुक है वो नो मेकअप लुक नहीं रह जाएगा, क्योंकि आई शेडो से आपकी स्किन ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी एंड फिर वो नेचुरल नहीं लगेगी, इसलिए आप आई शेडो ना ही लगाएं तो बेटर है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अपने पूरे फेस के मेकअप को एक जैसा कर लिया है। कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने से क्या होता है, जो भी हमारा फाउंडेशन या फिर जो आप सीसी क्रीम या बीबी क्रीम लगाते हैं अगर कहीं पर रह भी जाता है तो वो कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से वो एक जैसा इवन हो जाता है, तो उसको आप पूरे फेस पे अच्छे से लगा लें, नेक पे भी हल्का सा लगा लें। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज़ को हल्का सा डार्क करने के लिए मैं यहाँ पे आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके आईब्रो ऑलरेडी डार्क हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है आईब्रोज़ को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए। मेरी आईब्रोज़ थोड़ी सी लाइट थी तो मैंने इसलिए यहाँ पे आईब्रो पेंसिल यूज़ की थोड़ा सा उसको डार्क करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी मस्कारा। मस्कारा तो मस्ट होता है नो मेकअप लुक में हो या फिर मेकअप में हो, तो मस्कारा क्या होता है कि हमारी जो लैशेज होती है वो बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मस्कारा यूज़ करते हैं। मस्कारा बहुत ही नेचुरल लगता है, लगाने से पता भी नहीं चलता कि आपने कोई मेकअप लगाया, तो मस्कारा आप ज़रूर ही लगाएं। इसको मैं अपर लैशेज और लोअर लैशेज दोनों पे लगा लूँगी अच्छे से। फॉल्स लैशेज तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको लगाने की। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा पीच कलर का ब्लश है। ब्लश को यहाँ पे मैं फिंगर टिप की हेल्प से लगा रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से लगाएं या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से लगाएं। मैंने यहाँ फिंगर टिप से लगाने के बाद उसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से स्प्रेड कर लिया। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आप ब्लश जो भी लगा रहे हैं वो मेक श्योर आपका मैट होना चाहिए। मेरा ये मैट ब्लश है, मैट होना चाहिए, और आपका ब्लश जो भी है वो ग्लिटरी ना हो, शिमरी ना हो, एंड वो कलर जो भी आप चूज़ करें वो लाइट कलर चूज़ करें। यहाँ पे मैंने लाइट पीच कलर का ब्लश यूज़ किया है। आपका जो भी कलर होना चाहिए वो लाइट में होना चाहिए। लाइट पिंक यूज़ कर सकते हैं, लाइट पीच यूज़ कर सकते हैं, बट मैट में होना चाहिए आपका ब्लश। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। लिपस्टिक का भी शेड आपको बहुत केयरफुली चूज़ करना है क्योंकि नेचुरल लुक है, नो
मेकअप लुक है, तो यहाँ पे मैंने लाइट पिंक कलर का मैट लिपस्टिक यूज़ किया। अगर आप जो भी कलर यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर वो लाइट कलर नहीं हो, और लाइट पिंक तो बेटर रहेगा आपके लिए। एंड ये हो गया आपका कंप्लीट लुक। बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऐड की है, वो है वाइट काजल। वाइट काजल लगाने से हमारी स्किन थोड़ा सा हमारी आईज थोड़ा सा बिगर लगती है। अगर आपकी आईज ऑलरेडी है बिगर तो आपको कोई जरूरत नहीं। तो गाइस, होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक देन यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।